बिजनेस करो, पांच बार तू मरो, तू मरो, तू मरो, पांच बार तू मरो, तू मरो, तू मरो, शर्म करो भाजपा, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो भाजपा, शर्म करो, शर्म करो की बात की। राहुल गांधी ने जो है वो मणिपुर में इश्यूज की बात की, राहुल गांधी ने जो है वो किसानों की जो है बात की, राहुल गांधी ने जो है वो नीट की बात की, और राहुल गांधी ने जो है इनके फर्जी हिंदुत्व को संसद के अंदर खड़े होकर जो है वो एक्सपोज करने का काम किया। इनको अग्निवीर के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। 24 लाख बच्चों का जो एग्जाम जो था वो लीक हो गया, इससे उन इन लोगों को जो है वो कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जहां पर राम मंदिर के जो चीफ प्रीस्ट थे, राम मंदिर के जो है राहुल गांधी के नाम पर प्रोटेस्ट, लेकिन रियासी पर मौन क्यों लगा रहे हैं नारे, वो विरोध में लगा रहे हैं। देखिए ये जो है ये फर्जी लोगों का जो है ये टोला है, कभी ये जो लोग हैं असली मुद्दों पे जो है वो बात नहीं करते। राहुल गांधी ने कहा कि जो असली हिंदू है वो कभी हिंसा नहीं कर सकता, और इनकी जो बात है वो हिंसा से शुरू होती है। प्रधानमंत्री जी अपनी रैलियों में जो है मंगलसूत्र, घुसपैठिया और जो है मुजरत तक की जो है वो बातें करते हैं, तब क्या वो हिंदुओं का अपमान नहीं करते? राम मंदिर के आप जो है मुख्य पुजारी, उन्होंने कहा जिस राम मंदिर के नाम पे इतना ढिंढोरा, इतना ढोंग कर रहे थे, उस राम मंदिर में जो है वो पानी चूरा है, वहां भी इन लोगों ने जो है भ्रष्टाचार किया है। इन लोगों को, इन बेशर्मों को जो है अभी, इन लोगों को जो है, इन बेशर्मों को अभी सबक नहीं मिला। अयोध्या के लोगों ने इन फर्जी हिंदूवादियों को जो है इनका असली रूप जो है इनको हरा कर वहां से भेजा है, और पूरी देश की जनता जो है इनके सामने खड़ी होगी है। राहुल गांधी ने जो है इनकी नाभि के ऊपर जो है वो हमला किया है, इनके फर्जी हिंदुत्व की जो पोल है वो लोगों के सामने रखी है। ने की आज रियासी में हुआ, उससे पहले जो है हमारे कितने लोगों को जो है टेररिज्म में मार दिया गया, तब ये लोग अपने घरों में सोए हुए थे, तब उन लोगों को जो है सिक्योरिटी फेलियर के नाम पे पुलिस आर्मी उन लोगों के ऊपर डाल दिया जाता है। अबे फर्जी लोगों, जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं कभी उनके बारे में तो बात करो, कभी लोगों के जुड़े हुए मुद्दों को लेकर इस तरह से प्रदर्शन करो तो लोग आपको जो है वो सीरियसली लेंगे। हम मुद्दों की बात करेंगे और इनके फर्जी हिंदुत्व की जो पोल है वो खोलते रहेंगे।